नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है टाइल इंस्टॉलेशन। जब भी कोई घर का रिनोवेशन होता है तो उसमें पुराने टाइल्स निकाल के नया टाइल्स लगाते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ। पहली है, सबसे पहले ओल्ड टाइल्स निकालना है, उसके बाद में उसका बैक साइड में जो रफ प्लास्टर वगैरह है वो भी निकालना है, और पिंस डस्ट व रस्ट वो सब पूरा निकालना है। उसके बाद में सरफेस लेवल करना है, और सरफेस लेवल करने के बाद में वो पूरा केयर लेना है कि वो डस्ट फ्री रस्ट फ्री, उसमें कोई ग्रीस फ्री, पूरा सरफेस क्लियर होना चाहिए। उसके साथ ही हम टाइल इंस्टॉलेशन उधर कर सकते हैं। टाइल इंस्टॉलेशन करने से पहले सबसे पहले वो पूरा एरिया का मेजरमेंट हमको स्क्वायर फीट में लेना है, कितना एरिया है उसके हिसाब से वो मेजरमेंट लेना है। और वो मेजरमेंट लेने के बाद कितना एग्जैक्ट आता है उससे ऑलमोस्ट 10% हमको एक्स्ट्रा टाइल्स मंगाना है, क्योंकि वो कटिंग और चिपिंग में या फिर कुछ कॉर्नर के लिए हम लोगों को ज़्यादा टाइल्स लगते हैं, और वेस्टेज भी होता है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइल्स परचेस करनी पड़ती है। और अगर कुछ डेलिकेट्स या फिर कुछ अलग आर्किटेक्चरल एपेरेंस के लिए कुछ टाइल्स है तो उसके लिए भी हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से हम लोगों को टाइल एक्स्ट्रा ऑर्डर करना पड़ती है। तो ये सब हम डिटेल आज एक प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू जानेंगे। दोस्तों, ये पुराने घर का एक रिनोवेशन का काम है, इसमें पूरा टाइल्स पुराने टाइल्स निकाल के नया टाइल्स लगाना है। इसमें आप देख सकते हैं अभी बाथरूम का टाइल्स है, ये बाथरूम का टाइल्स चिपिंग करके निकाल रहे हैं, ये पूरा चिपिंग मशीन यहाँ यूज़ किया गया है। बाथरूम का टाइल्स एज वेल एज किचन का वॉल का टाइल्स दोनों पूरा चिपिंग मशीन से पुराना टाइल्स निकाल दिया गया है। बाथरूम का टाइल्स बैठाते समय ये टाइल्स को कटिंग और ग्राइंडिंग मशीन है वो मशीन यूज़ करते हैं, ताकि कॉर्नर वाले जो टाइल्स है वो टाइल्स आराम से बैठा सकें, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइल का वेस्टेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये टाइल्स बैठाते समय, बाथरूम के टाइल्स बैठाते समय ये स्लोप का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, कि जो जाली या फिर नाइन ट्रैप है वहाँ पूरा स्लोप जाना चाहिए, उधर से पानी जो भी है बाथरूम का वो साइड जाना चाहिए। ये टाइल्स बैठाने के बाद में सबसे पहले पुराने टाइल्स निकाल दिया, उसके बाद में वो पूरा सरफेस क्लियर कर दिया, क्लीन कर दिया, फिर उसके साथ में उधर पूरा मॉर्टर लेयर बैठा देते हैं। मॉर्टर लेयर के ऊपर ये टाइल्स बैठा देते हैं, और टाइल्स बैठाने के बाद में उसको हॉरिजॉन्टली या फिर पूरे जॉइंट्स जो भी है वो जॉइंट्स चेक करते हैं, वो प्रॉपर जॉइंट्स कैसे है क्या है उसको पूरा चेक करते हैं, और उसको ठीक से बैठा देते हैं। उसको सिर्फ इसमें स्लोप देखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बाथरूम टाइल्स करते समय कॉर्नर पीस का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग शेप्स के आ सकते हैं। जैसे ये टाइल्स लगाते समय मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइल्स लेना ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे किचन का जो वॉल है उसका टाइल्स बैठाते हैं। अभी यहाँ जो नल है वो नल के साइड में उसके हिसाब से वहाँ एक राउंड कट करना पड़ता है, वो कटिंग और ग्राइंडिंग मशीन से वो टाइल्स का अपना शेप कट करके वो टाइल्स बैठाते हैं, और उसका वर्टिकलिटी प्लम्ब बॉक्स से चेक करते हैं। ये पूरा किचन का वॉल का सरफेस है, पूरा ब्रिकिंग किया हुआ है, उसको पूरा नीट क्लीन करके पूरा उसको पानी मार के उसको गीला कर देते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर टाइल बैठा देते हैं। टाइल बैठाते समय ये जो टाइल्स लेते हैं उसके हिसाब से पूरा जो शेप है उसके हिसाब से टाइल्स लेते हैं। अभी और उसके ऊपर पूरा जो सीमेंट एडिजिव लगाते हैं, और सीमेंट एडिजिव लगाने के बाद में वो पूरा दीवार को चिपका देते हैं या फिर लगा देते हैं। जैसे अभी यहाँ पता चल रहा है अपने को कि वो पूरा टाइल्स के ऊपर पूरा वो मिस्त्री जो भी मेसन है वो पूरा सीमेंट एडिजिव लगा रहा है, और ये पूरा दीवार को चिपका रहा है।
और ये टाइल लगाते समय उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो दोनों का जॉइंट देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जॉइंट्स परफेक्टली मैच होना चाहिए और उसके साथ ही प्लम्बर लगा के उसका वर्टिकलिटी प्रॉपर होना चाहिए। इधर साइड में भी आप देख सकते हैं ये किचन का इस साइड में वो सिलेंडर के एक पाइप्स का होल है, उसी हिसाब से वो टाइल में होल निकाल के वो टाइल बैठा दिया गया है। ये टाइल बैठा हुआ में उसका लाइन और लेवल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसका भी चेकिंग बैठे के समय करना चाहिए। ये पूरा टाइल्स अभी पूरा बैठाने के बाद में ये ऊपर का पोर्शन में चैम्फर बनाते हैं, जैसे वो दीवार को और टाइल्स को एक स्लोप में पूरा मॉर्टर भर देते हैं, सीमेंट टाइल्स भी भर देते हैं, उसको चैम्फर बोलते हैं। वो पूरा चैम्फर भर के वो पूरा टाइल्स का मतलब बैठाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके साथ ही इसके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में वाइट सीमेंट वगैरह फिलअप करते हैं और ये फिलअप करने के बाद में उसको पूरा जो भी मोर्टर या फिर सीमेंट एडिशन लगा हुआ है वो पूरा नीट और क्लीन करके उसको पूरा साफ कर देते हैं। ये वॉक थ्रू है पूरा, मतलब टाइल बैठाने के बाद में जैसे पहले बाथरूम का टाइल्स, उसके बाद में किचन के ऊपर का वॉल टाइल्स पूरा बैठाने के बाद में कैसा दिखता है उसका एक वॉक थ्रू। दोस्तों आपने देखा ये टाइल इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरा वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।